बोरी कैसे दी है? मैडम 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? अरे भैया थोड़ा कम करो ना, 2 किलो ले लूंगी। चलिए मैडम आपके लिए 35 का लगा दिए। चलो ठीक है 2 किलो दे दो। हो गया भैया? ये लीजिए। थैंक यू भैया। अरे मैडम। हाँ भैया। पैसे? अरे हाँ पेटीएम कर देती हूँ। हो गया ठीक है। अरे आलू ले लो, प्याज ले लो, अरे करेले ले लो, करवा करवा करेला। अरे भैया गोभी कैसे दे रखे? दीदी 40 रुपए किलो। धमकी लगा ले, इतनी महंगी लगा रहा है, बूटी मचा दी तने। कोई ले भी रहा दीदी ना? अरे दीदी इधर चलो ना, एकदम एकदम ताजे ताजे है गोभी। सही सही रेट लगा भैया, धमकी लगा दे, 30 की लगा दे जल्दी। 35 रुपए ले लीजिए। 30? अरे नहीं नहीं दीदी जल्दी कर दो, इतना टाइम ना, जल्दी करियो पिन्नी पिन्नी ला जल्दी। कहाँ पिन्नी चली? अरे ये तो 30 की तो खरीद भी नहीं है। अरे भैया और भी ठेलियाँ नहीं, मैं वहाँ जाऊँ भाई, इतनी धूप हो रही है, मन क्या हमारे यही से ले लूँ। दियो पिन्नी निकाल जल्दी। दीदी कहीं और मिल रहा है वहाँ से ले लीजिए। अरे तू खोल पिन्नी जल्दी, दे जल्दी, वो भी तेरा टाइम ना। ले ले ली मैंने, सही सही किया, पेटीएम कर दूँ? अरे नहीं हो पाएंगे दीदी, कर दिया मैंने। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रोजी रोटी की कसम कुछ नहीं बच रहा दीदी। अरे दीदी अरे नहीं कर दिया मैंने 30 रुपए। अरे सुनो तो पता मुझे खूब बचा है तुम्हें। एक मिनट क्या बोला आपने? हमें ये बता क्या दिक्कत है? क्यों नहीं मान रहे आप? जब उन्होंने भैया ने बोल दिया कि नहीं बच रहा नहीं बच रहा, तो आपको माननी चाहिए ना उनकी बात। हम जैसे उनसे सब्जी ना लेना, भूखे मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। क्या कह रही हो? ये भूखे मरेंगे? अरे अगर तुम सब्जी नहीं लोगे तो तुम्हारे घर में सब्जी नहीं बनेगी, तुम भूखे नहीं मरोगे? दिक्कत क्या हुई है बता मुझे। देख देसी मुझे भी आती है, जो तुम देसी बोल के दिखा रहे हो ना, पर ये हर जगह यूज नहीं होती है। जब भैया बोल रहे हैं कि नहीं बच रहा नहीं बच रहा, अगर उन्हें बचता मतलब तो फिर तुम्हें दे देते ना वो। चलो ये तो मरेंगे मरेंगे, तुम नहीं मरोगे भूखे? तुम्हें शर्म मतलब तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते, तुमसे तो बड़े हैं ना वो। हां भैया सही कह रहे हो, उनसे गलती हो गई, उनके अभी पैसे पूरे देके आते हैं। मानते हैं वो गरीब है, पर सब्जी बेचकर वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम आकर उन पे दोष जमाओ। तुम जैसे पढ़ लिख कर ऐसा काम कर रहे हो तो फिर पढ़ लिखने का क्या फायदा? मैं सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, उनके अभी पैसे पूरे देके आते हैं। मानते हैं वो गरीब है, पर सब्जी बेचकर वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम आकर उन पे दोष जमाओ। तुम जैसे पढ़ लिख कर ऐसा काम कर रहे हो तो फिर पढ़ लिखने का क्या फायदा? हाँ ना गलती होगी, सही कह रहे हो, पूरे पैसे दे के आते हो। और आपकी मर्जी है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। नहीं भैया ठीक कह रहे हो। नहीं तुम उधर देसी लैंग्वेज बोल रही थी ना, मतलब तुम्हें देसी आती है, मुझे भी आती देसी लैंग्वेज, पर कहाँ यूज करनी है, कैसे तरीके से कैसे करनी है, वो मतलब तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो देसी लोगों को ऐसे बदनाम मत करो। कितने हो गए थे आपके पूरे? 40? अरे नहीं नहीं दीदी आप 35 ही कर दो। मैं 40 कर देती हूँ, आप पूरे कर देती हूँ। एक्चुअली क्या आज मेरे को सीखने को बहुत मिला है भैया, मैंने पूरे कर दिए ठीक है। अरे आप 35 ही कर देती? नहीं भैया कोई बात नहीं, पूरे मैंने दे दिए आपको। थैंक यू भैया।